आरपी नर्सिंग स्कूल मेन रोड टनवा गढ़वा झारखंड एएनएम जीएनएम डी फार्मा में नामांकन प्रारंभ है। जल्द करें, सीट सीमित है। संपर्क मोबाइल नंबर है 6207580137। नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी, प्रस्तुत है समाचार। एक बड़ी खबर आ रही है गढ़वा स्थित टंडवा रिलायंस पेट्रोल पंप के नजदीक से, जहां एक परिवार को उसके घर के रास्ते में दीवार खड़ी करके उन्हें उनके घर में ही कैद कर दिया गया। इतना ही नहीं, बरसात की बड़ी मात्रा में निकलने वाले पानी के रास्ते को भी बंद कर दिया गया है। गढ़वा शहर के वार्ड नंबर 21 टंडवा में शंभू प्रसाद के परिवार पिछले करीब एक माह से सड़क के अभाव में घर में नजरबंद है। बरसात से पूर्व यह परिवार किसी प्रकार से खेतों के पगडंडी के सहारे कभी कभार निकल भी जाता था, अब तो वह भी मुश्किल हो गया है, क्योंकि रास्ता बंद करने से जल जमाव के कारण शंभू प्रसाद नामक इस परिवार के मकान में बरसात का पानी भी प्रवेश कर रहा है। शंभू प्रसाद के द्वारा नगर परिषद के अधिकारियों से लेकर जिले के सभी अधिकारियों के पास आवेदन देकर रास्ते की गुहार लगाई गई है। अधिकारियों ने आदेश भी दिए हैं, एसडीओ ने नोटिस भी जारी किया है, मगर दबंगों ने परिवार के घर के रास्ते को अब तक नहीं छोड़ा है। जबकि यह परिवार उस मकान में पिछले 15 वर्षों से रह रहा है तथा जिस रास्ते का इस्तेमाल कर रहा था, पर उस रास्ते पर प्रशासन द्वारा मनाही के बावजूद चार दीवारी खड़ी कर दी गई है। ऐसे में इस परिवार के सामने अब तो ये संकट है कि वह घर से बाहर निकले तो कैसे। खेत के रास्ते किसी प्रकार से बाहर आने का जो जुगाड़ था, वह भी अब बरसात के मौसम में समाप्त हो गया है। रास्ते में भी ईंट की दीवार खड़ी कर बंद कर दी गई है। ऐसे में इस परिवार के सामने घर में नजरबंद रहने के सिवाय दूसरा कोई विकल्प नहीं। हालत तो ये है कि परिवार का कोई सदस्य बीमार पड़ा तो उसे किसी भी हाल में अस्पताल तक नहीं ला जा सकता। ऐसे में जरूरत है प्रशासन इस परिवार को तत्काल रास्ता मुहैया कराए, वरना किसी भी समय अनहोनी हो सकती है। टंडवा निवासी शंभू प्रसाद ने बताया कि मैं शंभू प्रसाद, ग्राम टंडवा, नियर रिलायंस पेट्रोल पंप। मैं 2 महीना पहले प्रशासन को आगाह किया था, हमारे घर के बगल में किटू परिणाम का होटल है, जो अवैध रूप से उसमें अवैध धंधा दारू शराब बेचा जाता है, जिसमें गुंडा तबके के लोग उसमें बराबर जुटे हुए रहते थे, जिसके लिए मैं प्रशासन को आगाह किया था कि हमें बहुत खतरा है। और उसी जगह से, उसी होटल से हमारा रास्ता, और प्लस बगल में देख रहे हैं नाला का पानी, दोनों बंद कर दिया गया पूरा गुंडा तत्व के साथ। अब हम प्रशासन के यहाँ दौड़ते दौड़ते 2 महीना से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। अब देखिए, हम लोग को तो ब्लैकमेलिंग कर रहा है, अब हम लोग को घर छोड़ के भागना पड़ेगा। दो ठो गाय भी हैं, जिसका चारा भी ख़त्म होने वाला है। बाकी हम लोग के यहाँ सब्जी राशन ये सब कमी होगा, आगे हम लोग के साथ कोई दुर्घटना होता है उसके लिए प्रशासन जिम्मेवार होगा। रामजी महतो, लालमोहन सोनी, राजेश महतो, इतनों द्वारा रास्ता प्लस पूरे दोहर झुनकिया आहरा का पानी आता था। आगे पुल अवरुद्ध करके, पुल भी एक साजिश के तहत पुल को बंद किया पहले, उसके बाद रास्ता अवरुद्ध किया, फिर अभी के डेट में पानी भी अवरुद्ध कर दिया है। देख लीजिए, 5-7 एकड़ में पानी भरा हुआ है, जिससे किसान का फसल भी डूब गया। बगल में अभी जितना घर है उस सब में पानी डूबेगा। प्रशासन अब इसके लिए कार्रवाई करे, हमारा रास्ता चालू कर दे, पानी का नाला निकासी कर दे, ताकि हम लोग को राहत मिल सके। इसके लिए मैं प्रशासन का आभारी रहूँगा। कितने दिन से ये रास्ता अवरुद्ध कर दिया गया? ये रास्ता लगभग 1 महीना से अवरुद्ध है। 1 महीना से हम लोग लॉकडाउन में घर में हैं, जो था खा लिए हैं, अब राशन भी ख़त्म होने के कगार पर है। 4-5 दिन का भूसा बचा हुआ है गाय के लिए, गाय भी मर सकती है, हम लोग भी मर जाएंगे यहाँ। मतलब आने जाने का कोई रास्ता अभी नहीं? कोई रास्ता नहीं है, ये बहुत बड़ा साजिश के तहत। अभी भी देख लीजिए आप, प्रशासन रोक के गया है काम, फिर भी काम लगा हुआ है। 2-4 दिन रुक के 1 दिन बराबर काम बढ़ाते रहते हैं। अभी लालमोहन सोनी द्वारा नाला में जो बहने का रास्ता है, इसका साक्ष्य मिटाने के लिए काम लगा हुआ है सर। मतलब प्रशासन द्वारा रोक देने के बावजूद भी काम जारी है? जी हाँ, प्रशासन द्वारा रोकने के बाद भी काम जारी है, साक्ष्य रास्ता और नाला।
दोनों मिटाया जा रहा है। प्रशासन इस पर कुछ कार्रवाई नहीं कर रही है? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है, रोक के एक दिन गई है, उसके बाद कोई पूछने वाला नहीं है। हम लोग को आश्वासन सिर्फ मिलता है कि आपका रास्ता नाला खुल जाएगा। अभी क्या चाहते हैं? हमारा आने जाने के लिए रास्ता हो जाए, नाला पानी जो डूब रहा है इसके लिए नाला भी खुल जाए। नहीं खुलेगा, अगर एक पानी अभी बरस गया तो हम लोग के घर में पानी घुस जाएगा। कहाँ से आता है पानी ये? झुनकिया हरा सर, 4-5 किलोमीटर 4-5 बांध है ऊपर, जिसमें एक घुटना तक पानी आता है, जिसके लिए 5-7 फीट पानी का बहाव होना चाहिए। यहाँ रुकता नहीं है सर, आगे अवरुद्ध कर दिया ना, पहले पुल बंद किया साजिश के तहत, उसके बाद पुल से इधर सीधे जहाँ से पार होता था उसमें बहुत साजिश है। इसमें सर कितना आदमी का नाम पकड़ सकते हैं, प्रशासन खोज ले कि कितने आदमी के साजिश के तहत बंद हुआ है। कितने परिवार रहते हैं अपने लोग? अभी यहाँ परमानेंट 5 परिवार रहते हैं और 2 गाय हैं। मतलब बाहर नहीं निकल पा रहे हैं? नहीं, बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। 1 महीना से साग सब्जी हम लोग नहीं खा रहे हैं, माड़ भात कैसे खा के गुजर कर रहे हैं। धमकी मिलता है कि उजाड़ के भगा देंगे, यहाँ चाइना के तरह व्यवहार कर रहा है इन लोग सर। विस्तार नीति चाइना जैसे इंडिया को परेशान कर रहा है, लाल मोहन सोनी के द्वारा हमको परेशान किया जा रहा है चाइना के तरह। पीछे देख लीजिए सर, अभी भी काम लगा हुआ है नाला बंद करने के लिए। हम कहाँ जाएं? हमको फरियाद दे, इंसाफ दे प्रशासन। जाने का रास्ता नहीं है, लॉकडाउन बंद हो गया है, बीमार भी पड़ रहे हैं, तो हॉस्पिटल जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। मम्मी का भी तबीयत खराब रहता है, हम लोग कैसे जाए रास्ता? दवा भी करवाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। प्रशासन से यही मेरा आग्रह है कि हमारे घर से आने जाने का रास्ता निकलवाएं। और पानी भी बहने वाला है, पानी भी घर में भर सकता है, पानी भी रोक दिया गया है आगे रास्ता से। हम लोग यही आग्रह है प्रशासन से कि आने जाने के लिए रास्ता निकलवाएं। बीमार भी पड़ रहे हैं, तो हम लोग बीमार में भी आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। मम्मी बीमार रहती है, मम्मी को कुछ भी हो सकता है, मम्मी हार्ट पेशेंट है, दवाई चलता है, दवा लाने के लिए भी आने जाने का कोई रास्ता नहीं है। कितना दिन से बंद है रास्ता? रास्ता 1 महीना, 1 महीना से बंद है। 1 महीना से हम लोग घर से निकले नहीं है, दवा लाने के लिए भी कोई रास्ता नहीं है। पहले यहाँ रास्ता था, बता दे दिया। हाँ, पहले रास्ता था, अब बंद कर दिया गया है। बरसात की बड़ी मात्रा में निकलने वाले पानी के रास्ते को भी बंद कर दिया गया है, जिससे घरों के अगल बगल में तालाब जैसे पानी जमा हो गया है, जिससे आसपास के घरों और दुकानों में पानी घुस जा रहा है, जिससे स्थानीय लोग भी काफी परेशान हैं और पानी की निकासी की रास्ता खोलने की गुहार लगा रहे हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि बरसात के पानी निकासी करने वाले रास्ते को ईंट की दीवार से देकर बंद कर दिया गया है, जिससे जल जमाव बढ़ता ही जा रहा है और अभी तो बरसात आनी बाकी ही है। अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो हम लोगों को घर छोड़कर भागना पड़ेगा। हाँ सर, मेरा नाम अरविंद कुमार दुबे है और मेरा ये बगल वाला घर है, और इस तरह से जो पानी भरा हुआ है बिल्कुल, अब 1-2 दिन 4 दिन और अगर बढ़िया से पानी और बरस जाए तो मेरा टोटल पीछे आगे वहाँ सीमेंट का दुकान है, टोटल सीमेंट के दुकान से होकर के बीच में पानी निकलेगा। और यहाँ पानी निकलने का कोई सुविधा मतलब हम लोगों के पास नहीं दिखाई दे रहा है। हम प्रशासन से या आपके माध्यम से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि किसी तरह से पानी हम लोगों का निकासी का व्यवस्था कर दिया जाए, जिससे कि हम लोगों के घर में पानी न घुसे, हम लोग कम से कम चैन से यहाँ रह लें। हम लोग अगर ऐसा ही 4-6 दिन 8 दिन और अगर पानी बरस गया तो हम लोग टणवा में इस जगह छोड़ करके हम लोगों को कहीं पलायन करना पड़ेगा, हम लोग यहाँ रहने लायक नहीं रह जाएंगे। पानी का स्थिति आप देख रहे हैं, वहाँ तक देखिए, ऊपर झुनुकिया आहरा है, अभी झुनुकिया आहरा भरा नहीं है, उसका कनवाह जब फेंकेगा तब ये पानी कहाँ जाएगा, ये हमारे समझ से परे है। पहले से निकासी था इसका? हाँ, पहले वहाँ आगे पुल था, एक पीच रोड पर पुल बना हुआ था, उसमें पाइप लगा हुआ था, पानी निकल रहा था, लेकिन अब अपना अपना रैयती जमीन में सभी लोग घर बना लिए, सामने से पूरा एक तरह से कहिए कि पूरा यहाँ एक आहरा बन गया, घेर करके लोग मान लीजिए अपना जिसका भी रैयती है बनाएगा, लेकिन उसमें भी कुछ एक समाधान निकलना चाहिए, जिससे कि ये जमा हुआ बरसाती पानी, किसी का नाला का नहीं है, किसी का बहाया हुआ पानी नहीं है, ये बरसाती पानी कम से कम निकल जाए, जिससे कि हम लोग चैन से यहाँ रह लें। यही हमारा रिक्वेस्ट है आप लोगों से। कितना गहरा पानी होगा? ये 6 फीट करीब करीब पानी लगता है यहाँ।
हाँ आके यहाँ जमा हो जाता है। बच्चा हाँ छोटे छोटे बच्चे हैं इधर निकलते हैं। देखिए हम लोगों का इधर खिड़की टाइप का है, दरवाजा तो सामने से है, इधर बच्चे लोग आते हैं खेलते हैं, खुला जमीन है। अब इधर खेलते खेलते अगर बच्चे आ गए तो कोई भी गिर सकता है, छोटे छोटे बच्चे हैं, घटना दुर्घटना हो सकता है। कौन सा जगह है ये? टंडवा है, रिलायंस पेट्रोल पंप के बगल में, वार्ड नंबर 21। जनप्रतिनिधि जी आए थे ध्यान देने, हम लोग उनको खबर किए थे, वो आए थे और आ करके देख करके गए हैं और आश्वासन दिए हैं, लेकिन त्वरित कार्रवाई कुछ उस तरह से अभी तक नहीं हुआ है। अभी क्या मांग करते हैं? अभी बस यही मांग है कि ये जो जमा हुआ बरसाती पानी है ये हमारा किसी तरह से निकल जाए, छोटा सा कोई व्यवस्था बन जाए जिससे कि ये पानी हमारा आगे जो मेन रोड पर नली बना हुआ है उस नली में चला जाए, और जिससे कि हम लोगों का घर जो इतना इस जगह 8-10 घर है वो डूबने से बच जाए बस। सर यहाँ पे नाला निकलता था, नाला का पानी इधर आता है, इसे चले मिट्टी गिरा कर हम अपने दुकान को बचाना चाहते हैं कि कैसे पानी ना आए, लेकिन पानी का बहुत है, इसके चलते ज़्यादा पानी आ रहा है। हाँ सर घर में घुस जा रहा है, लगता है दुकान बंद करना पड़ेगा, लेकिन सबका रास्ता बंद होने से वो पानी भी रुक गया। हाँ जिससे पानी घर में घुस रहा है सर। धन्यवाद। गढ़वा पलामू में जेवी डिजिटल नेटवर्क इंटरनेट सेवा प्रोवाइडर पाएं 100 Mbps हाई स्पीड इंटरनेट अनलिमिटेड डेटा के साथ। संपर्क करें टंडवा मेन रोड गढ़वा, हमारा नंबर है 8969715024।